सालों से पिक्सल डिवाइसेस बाय करने का एक वन ऑफ द बेस्ट रीज़न यही है कि उनमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट कमाल का मिलता है, या ये कहें कि पूरे एंड्रॉयड मार्केट में गूगल अपने पिक्सल डिवाइसेस को बेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है। जैसे अभी न्यू पिक्सल डिवाइसेस में हमको 3 ईयर्स के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 5 ईयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, विच इज़ इनसेन, राइट? और कोई ब्रांड ऐसा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड के अंदर एक्सेप्ट सैमसंग। तो सैमसंग ने अपने नोट 20 सीरीज़ के साथ में अपने डिवाइसेस को 3 मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 4 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स देने का अनाउंस किया था। उसके बाद से सब ब्रांड्स ने ये स्ट्रेटजी अपनानी शुरू की, वेदर, ओप्पो, वीवो एंड ऑल अदर्स। पर अब लगता है कि जो गूगल का एंड्रॉयड अपडेट्स का क्रोन है वो सैमसंग छीनने वाला है, बिकॉज अभी एक रिसेंट रूमर के हिसाब से सैमसंग अपने अपकमिंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ में 4 ईयर्स के मेजर एंड्रॉयड OS अपडेट्स देने वाला है विद 5 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस, जो एंड्रॉयड की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चलो फिर ये पूरी कहानी पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो सैमसंग के S22 सीरीज़ के लॉन्च से पहले एक रूमर आउट हुआ है ट्विटर पे, जिसमें बात हो रही है सैमसंग डिवाइसेस को 4 ईयर्स के मेजर एंड्रॉयड OS अपडेट्स मिलेंगे विद 5 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। तो आप डिवाइसेस देख सकते हैं, पहले है न्यू S22 सीरीज़, फिर है लास्ट ईयर की S21 सीरीज़ इंक्लूडिंग द न्यूली लॉन्च्ड S21 FE, इसके बाद है फोल्डेबल्स लाइक गैलेक्सी Z Fold 3, Z Flip 3 एंड लास्ट है सैमसंग के टैबलेट्स Tab S7 एंड S8। और अगर ये बात सच होती है S22 सीरीज के लॉन्च इवेंट में, तो भाई साहब सैमसंग ने तो सच में साला गर्दा उड़ा दिया। अब वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड एज ऑलवेज टाइमस्टैम्प्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं हाउ सैमसंग इज विनिंग द गेम इन एंड्रॉयड अपडेट्स फ्रॉम गूगल। अब इस कहानी की शुरुआत होती है सैमसंग के टचविज UI से। हम सबको पता है पहले सैमसंग एज अ ब्रांड सॉफ्टवेयर के मामले में पहले से उतना अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू गूगल, बिकॉज गूगल के नेक्सस सीरीज में कंप्लीट स्टॉक एंड्रॉयड मिलता था और पहले सैमसंग के फोन्स में टचविज UI चलता था जो काफ़ी हैवी एंड्रॉयड स्किन थी। और इसकी वजह से सैमसंग को लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे बिकॉज ऑफ देयर लैगी UI। और उस टाइम पे सैमसंग या कोई अदर ब्रांड इतना फ्रीक्वेंटली एंड्रॉयड अपडेट्स भी नहीं देता था जितना गूगल अपने नेक्सस डिवाइसेस में देता था। तो ये कहानी चलती रही एंड्रॉयड 8.0 ओरियो तक, जहाँ पर एंड्रॉयड अपडेट्स के मामले में गूगल एक अनडिस्प्यूटेड किंग बन के बैठा था। पर उसके बाद एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया अपना नया One UI, जो काफ़ी अलग था बाकी एंड्रॉयड स्किन्स के कंपैरिजन में, जिसका मेन फोकस था वन हैंड यूसेज पे। तो वैसे ही सैमसंग ने अपने एंड्रॉयड अपडेट्स का गेम कंप्लीट चेंज कर दिया और अब वो बजट एंड मिड रेंज डिवाइसेस में भी दो दो मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स देना स्टार्ट कर दिए थे विद 3 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। अब सैमसंग के बजट और मिड रेंज को भी फ्लैगशिप्स की तरह 2 OS अपडेट्स मिलने लगे। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सैमसंग ने अपने नोट 20 सीरीज़ के साथ में अनाउंस किया कि वो अपने डिवाइसेस को, मतलब जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उनकी, वो अब 3 मेजर OS अपडेट्स देंगे विद 4 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। तो ऐसा करने वाला सैमसंग पहला ब्रांड बन गया। और फिर पिक्सल 6 सीरीज अनाउंस होती है और गूगल ने भी अपने डिवाइसेस में 3 ईयर्स के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स देने का अनाउंस कर दिया विद 5 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी। पर हमने अभी पिक्सल 6 सीरीज में भी देखा कि अपडेट्स को लेकर थोड़ा इश्यूज है और इवन गूगल भी इसको फिक्स करने में लगा हुआ है। और सैमसंग ने अभी गूगल से भी पहले अपने डिवाइसेस के लिए फरवरी का सिक्योरिटी पैच रिलीज कर दिया है, वो भी जनवरी एंड में। मतलब भाई साहब सैमसंग ने एक बार फिर से साला गर्दा उड़ा दिया। तो ये कह सकते हैं कि सैमसंग ने One UI के बाद अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट चेंज कर दिया है और इवन इन लोगों ने अपने अपडेट शेड्यूल को भी काफ़ी इम्प्रूव किया है, जहाँ पर हम लोगों को टाइमली सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिलते हैं और जो मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स होते हैं उसमें बग्स भी काफ़ी कम होते हैं। तो इस मामले में गूगल भी कई बार पीछे हो जाता है, जहाँ पर उसके अपडेट्स में भी हमको कभी कभी बग्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे पिक्सल 6 सीरीज हमारे सामने ही थी। और जो अब सैमसंग ने सिक्योरिटी पैच अपडेट भी गूगल से पहले लॉन्च कर दिया है, तो अब मुझे लग रहा है कि गूगल की पकड़ कहीं ना कहीं एंड्रॉयड अपडेट्स में थोड़ी सी लूज़ हो रही है और सैमसंग यहाँ पर बाजी मार रहा है। वेल, इन लोगों की वॉर तो चलती रहेगी, कभी गूगल आगे कभी सैमसंग आगे, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि एंड्रॉयड में अब गूगल के अलावा सैमसंग भी अपने डिवाइसेस को काफ़ी सही सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराता है।
ओके, सो अगर ये रूमर सच होता है तो दिस विल बी द न्यू बेंचमार्क इन एंड्रॉयड हिस्ट्री एवर। सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ द वीडियो। अब अगर चार मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स की बात हो रही है तो नो डाउट ये एक मेजर शिफ्ट होगा एंड्रॉयड स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, सिंस सैमसंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है और अपने फोन्स में लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल S22 सीरीज लॉन्च होगी एंड्रॉयड 12 के साथ में, तो उसको 4 generations मतलब एंड्रॉयड 16 तक OS अपडेट्स मिलेंगे एंड उसके एक साल बाद तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। तो ऐसे में बाकी कंपनीज के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा इस ट्रेंड को फॉलो करने के अलावा। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो एट द एंड कंज्यूमर्स का ही फायदा है कि उनको अब अपने फ़ोन्स में लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, जिससे फ़ोन्स की लाइफ भी इंक्रीज होगी और फ़ोन आउटडेटेड भी नहीं होंगे जल्दी। तो ऐसे एंड्रॉयड डिवाइसेस अब आईफोन के अपडेट शेड्यूल के एक लेवल और करीब पहुँच गए हैं। अब इन सब में देखने वाली बात ये होगी कि गूगल इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो भी अपने डिवाइसेस के लिए ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक्सटेंड करेगा। मेरे हिसाब से तो श्योरली जो कंपनी एंड्रॉयड को ओन करती है एंड जिसका फोन्स का नेटवर्क भी लिमिटेड है तो उसे एटलीस्ट सैमसंग के इस न्यू कमिटमेंट को मैच करना चाहिए। तो सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज 9 February को लॉन्च होने वाली है, विच इज टुमारो। तो कल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ सच है या फिर सिर्फ एक रूमर है। वेल, अगर ऐसा सच में हो जाए तो एक नया बेंचमार्क होगा एंड्रॉयड हिस्ट्री में। एंड आपका क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बता के जाना। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर यूजफुल लगी तो हम यूट्यूबर्स के 3 basic needs लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे पूरा कर देना। एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।